आइए 17वां अध्याय आरंभ करें। जय श्री कृष्ण। अब सुनो श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध 17वां अध्याय, जिसमें चक्रवर्ती राजा परीक्षित कलयुग का है दमन कराए। राजा परीक्षित ने जब देखा एक शूद्र राजा के भेष में गाय बैल को पीट रहा था, निर्दयता से उसके देश में एक पैर पर खड़ा बैल वो थर 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 कांप रहा था। शूद्र ताड़ना से पीड़ित हो मल मूत्र वो त्याग रहा था। दुबली पतली भूखी गाय दुख से आंसू बहा रही थी, शूद्र के पैर की ठोकर खाकर वेदना में तड़प रही थी। चढ़ा धनुष की प्रत्यंचा तब कलयुग को राजा ने ललकारा, बलवान होकर फिर तुमने क्यों इन निरीह पशुओं को मारा। सह सह कर डंडे का प्रहार कितना दुखी ये भोग रहे हैं, निरपराध पे वार किया तू क्षमा के योग्य नहीं है। सताए जो निरअपराधी को पाए दंड वो चाहे कहीं हो, हाथ काट डालने चाहिए देर ही क्यों ना चाहे वो। बिन आपत्ति काल जो प्राणी उल्लंघन मर्यादा करता, शास्त्रानुसार दंड उसे मिलता, जैसा करता वैसा भरता। सुन आश्वासन धर्म ये बोला, पांडु वंशज आप है राजन, पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों से सारथी दूत बने थे भगवन। सुन बात अभिमन्यु नंदन, शास्त्र वचन से मोहित होकर हम उस पुरुष को नहीं जानते जो हमें मार रहा है ठोकर। द्वैत को जो स्वीकार न करते दुख का कारण स्वयं को बताते, कोई कर्म को कोई स्वभाव को या प्रारब्ध ईश्वर को बताते। तर्क और वाणी दोनों से भी नहीं पता चलता दुख का कारण, कौन सा मत इनमें से ठीक है करो आप बुद्धि से निवारण। ऐसे वचन सुनकर धर्म से राजा बहुत प्रसन्न हुए, शांत चित हो के भी तभी प्रकट अपने उद्धार किए। कहीं परीक्षित वृषभ देव स्वयं धर्म है धर्म उपदेशक, इसका नाम नहीं बताया क्योंकि चुगली से मिलता है नरक। पावनता तप दया और सत्य धर्म आपके चार चरण हैं, मद आसक्ति और गर्व से नष्ट हो गए तीन चरण हैं, चौथा चरण बाकी बचा है उसका नाम सत्य है भाई। अधर्म रूपी कलयुग ने उसे तोड़ने की सौगंध है खाई। गौ माता साक्षात है पृथ्वी, हुई प्रभु वियोग में कांतिहीन, चिंता करती जैसे अभागिन, पापी बिगाड़ेंगे मेरा दीन। देख के सांत्वना धर्म पृथ्वी को राजा ने तलवार निकाली, ताड़ गया कलयुग गिरा चरणों में और रोनी सी सूरत बना ली। शरणागत रक्षक थे परीक्षित, मारा नहीं और बोले हंस के, आ ही गया जब शरण में मेरी, ना कर भय अब तू किसी से। पर तू अधर्म सहायक ठहरा, राज मेरे तू रह नहीं सकता,
कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। यज्ञों से होए हरि पूजन यहाँ, धर्म सत्य का यहाँ निवासा। पाप बढ़ेंगे तेरे रहने से, देता तुझे ब्रह्मवर्त निकासा। सिहर के तब कलयुग यूं बोला, जा कहीं वीर हूँ मैं राजन। डर लगता है देते दिखाई, धनुष बाण तलवार के कारण। आया हूँ मैं शरण आपकी, पड़ा चरण में कृपा निधान। स्थिर हो कर रह सकूं, बतलाओ मुझे वो स्थान। सुन के प्रार्थना कलयुग की, तब राजा ने बताए चार स्थान। पहला दूत, दूजा स्त्री संग, हिंसा तीजा चौथा मद्यपान। दूत में असत्य मद्यपान, मद आसक्ति है स्त्री संग। हिंसा में निर्दयता निवास से, चारों धर्म अपने रंग। कलयुग ने फिर चालाकी से, मांगे राजा से और स्थान। एक स्थान मिला स्वर्ण, तब इस तरह हो गए पांच स्थान। झूठ काम मद वैर रजोगुण, है अधर्म के मूल स्थान। कलयुग ने यहाँ पैर पसारे, सोने लगा चादर वो तान। जो चाहते कल्याण स्वयं का, ये पांचों वर्जित स्थान। धार्मिक राजा लौकिक नेता, गुरु रहे इनसे सावधान। वृषभ रूप धर्म को तीनों, तब शुचि दया चरण लौटाए। संवर्धन किया पृथ्वी का, तब राजा सिंहासन पर फिर आए। राज लक्ष्मी से शोभित थे, चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित। जिनके शासन काल में आप लोग, हुए हैं इस यज्ञ हेतु दीक्षित। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ।